बिहार के कई जिलों में सूखे की स्थिति तो है, तो वहीं गंगा कई जिलों में तबाही भी मचा रही है। राजधानी पटना समेत भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, कटिहार तमाम जिलों में बाढ़ और कटाव से लोग मुश्किल में हैं। घरों में पानी घुसने से लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और लोगों की चिंता भी बढ़ रही है। बिहार के कई जिलों में गंगा में उफान, बाढ़ और कटाव से आफत में जान। तस्वीरों में देखिए, राजधानी पटना की कई पंचायतों में गंगा कहर बरपा रही है। जी मीडिया की टीम जमीनी पड़ताल के लिए निकली तो ये गांव जलमग्न दिखा। तो देखिए कि अभी हम मानस पंचायत में हैं, लेकिन सिर्फ मानस पंचायत ही नहीं, बल्कि अगर बात करें पटना जिले में दानापुर में, तो तकरीबन 6 पंचायत हैं। मानस है, हैबसपुर है, पानापुर है, नकटा दियारा है, इसके अलावा कौन दियारा है, हेतनपुर हो गया, गंगहाड़ा हो गया, कासिमचक पंचायत हो गया, मानस पंचायत हो गया। दानापुर दियारा की 6 पंचायतों में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और लाखों की आबादी का शहर से संपर्क टूट चुका है। अचानक हुई जल वृद्धि के कारण दानापुर दियारा के 6 पंचायत का संपर्क शहर से टूट चुका है। लोग गांव से प्लान कर रहे हैं। दियारा क्षेत्र में तमाम सड़कों पर पानी आ चुकी है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं किस तरह लोग अपनी पूरी सामान के साथ दियारा से बाहर जा रहे हैं ताकि सुरक्षित जगह पर जा सके, लोग सुरक्षित रह सके, लोग अपने माल को सुरक्षित रख। खासकर दियारा वासियों के साथ चारा की समस्या उत्पन्न हुई है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको किस प्रकार की समस्या है, आखिर क्या है पूरा मामला, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह दियारा क्षेत्र में तकलीफ हो रही है, क्या पानी बाढ़ से सब डूब रहा है सर। गाय गेहूँ को दिक्कत हो रहा है, राशन जो गाय गेहूँ को मिलता है वो भी नहीं मिल पा रहा है बाढ़। भागलपुर की तस्वीरें देखिए, नाथनगर प्रखंड के दर्जनों गांवों में गंगा का पानी घुस चुका है और लोग पलायन को मजबूर हैं। मुंगेर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शक्तिपीठ चंडिका स्थान के गर्भगृह में पानी भर चुका है। बेगूसराय के छित्रौर गांव में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। वहीं बलिया के दियारा इलाके में 50,000 की आबादी बाढ़ की समस्या से जूझ रही है। अपना रुतबा दिखाने लगा है, जितना भी फसल था सब डूब गया है। आवागमन देख रहे हैं, किसी तरह लोग पैदल चढ़ के इस पार से उस पार होता है। कितना बड़ा जोखिम है, गाड़ी लेके साइकिल लेके सब आता जाता है बहुत। कटिहार के कई प्रखंडों में गंगा तबाही मचा रही है। सैकड़ों परिवार घर बार छोड़ कर जा चुके हैं। 2 साल से तो कट रहा है, इसका कोई देखने वाला भी नहीं है, बोलने वाला भी नहीं है कि रात में सोना भी हराम हो गया आदमी लोगों को। गाड़ी घोड़ा नाव व्यवस्था कुछ नहीं है, सरकारी भी मदद नहीं है। रात में डेढ़ बजे जो है पूरा जो कटाव जारी था और जारी भी है, और अभी भी पानी बढ़ते जा रहा है, अभी भी रहने का कोई स्थिति नहीं है। हम लोग यही घर उठा कर रखे हैं। कितने साल से? 100। अब क्या, अभी गंगा के चलती में घर कट रहा है, इसलिए लेकर के घर द्वार लेकर के भाग रहे हैं, कोई ऊंचा स्थान देख करके रहे। बिहार में बारिश ना होने से एक ओर सूखे की स्थिति है, तो दूसरी तरफ गंगा कई जिलों में कहर ढा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का।